मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती के सहारे मिशन 2023 में जुटी बीजेपी कांग्रेस, महू पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खरगोन हिंसा पर वीडी शर्मा का बड़ा बयान, पीएफआई ने पहले भी की इस तरह की हिंसा में फंडिंग। दिग्विजय सिंह भी आतंकवाद का समर्थन करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इनके पास इसी तरह के हथकंडे हैं। दिग्विजय सिंह की भूमिका की जांच होनी चाहिए। खरगोन में पांचवें दिन भी कर्फ्यू जारी, आज कर्फ्यू में दो बार ढील देने के निर्देश, कलेक्टर कमिश्नर आईजी करेंगे बैठक, कर्फ्यू में ढील देने को लेकर होगा फैसला। शांतिपूर्ण माहौल होने के बाद बढ़ाई जा सकती है ढील, खरगोन में लगातार भारी बल पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली का झटका, छत्तीसगढ़ में लागू हुई बिजली की नई दरें, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दर में 15% का इजाफा। रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई, दिग्विजय सिंह पर होशंगाबाद में दर्ज किया गया केस। शिवराज सरकार ने ट्विटर से अकाउंट ब्लॉक करने के लिए लिखा पत्र, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपराधी हैं। खरगोन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी, कहा प्रेम सद्भाव की बात करना दंगा फैलाना होता है क्या। कोरबा में बालको पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड प्लांट के अंदर धरने पर बैठे, हर 5 सालों में एलटीएस के साथ प्रमोशन और नियमित वेतन दिए जाने की मांग, प्रमोशन देने इंकार करने एचजी सिक्योरिटी गार्ड धरने पर बैठे। गौरेला पैंतरा मारवाई में जिला पुलिस ने 8 ट्रैक्टर को अवैध रेत का खनन करते पकड़ा, ट्रैक्टर जब्त कर माइनिंग एक्ट के तहत की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में गुंडागर्दी, ट्रक चालक पर पत्थर से हमला, हमले में ट्रक ड्राइवर को आई चोट, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। गरियाबंद में कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हितग्राही खुलकर बोलने को है तैयार, अधिकारी लिखित शिकायत का कर रहे इंतजार, परियोजना अधिकारी पर लग रहे गंभीर आरोप। धमतरी में हाथियों का उत्पात जारी, जंगल में घुसे ग्रामीणों को लौटा रहे हैं अधिकारी, 32 हाथियों का दल टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कर रहा विचरण, ग्रामीणों को हाथियों से बचने के लिए बता रहे उपाय। सुकमा में इनामी नक्सली समेत 4 ने किया सरेंडर, 1 लाख का था नक्सली का इनाम, जगरगुंडा एरिया में सक्रिय थे नक्सली, नक्सलियों को मिलेगा सरकारी योजना का लाभ। जम्मू कश्मीर में सतना का जवान शहीद, बर्फबारी के दौरान शहीद हुआ जवान, सतना के मेहूती का रहने वाला था सुखराम सिंह, आर्मी के 23वीं राजपूत बटालियन में थे हवलदार। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रामक समाचार, प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश, भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इटारसी में दर्दनाक हादसा, केले से भरा ट्रक ऑल्टो पलटा, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, 1 महिला 2 बच्चों की मौत, रतवाड़ा के पास हुआ यह हादसा। सतना में निजी कंपनी के ऑफिस में लगी आग, आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख, घंटों बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के रोहिणीपुरम में चोरी का अनोखा मामला आया सामने, चोरों ने चोरी करने से पहले नींबू पानी पीकर दिया घटना को अंजाम, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम शिवराज से की मुलाकात, सीएम ने अक्षय कुमार के साथ फोटो की ट्वीट, फिल्म शूटिंग के लिए भोपाल पहुंचे हैं अक्षय कुमार। मध्य प्रदेश में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, स्कूलों में होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की घोषणा, 2022 से इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मरीज मिले। देश में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची, फरवरी के मुकाबले 14% बढ़कर 6 पर पहुंची महंगाई, फरवरी में खुदरा महंगाई पर थी 6%। नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में तेजी से फैल रहा कोरोना, कई स्कूलों में छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, छात्रों पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा, गाजियाबाद के एक और स्कूल में 10वीं का छात्र कोरोना पॉजिटिव, अगले आदेश तक स्कूल बंद।